यूक्रेन की सेना अब रूस के अंदर घुस गई है, जिसने पुतिन को हिलाकर रख दिया है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम का हमला कर सकता है। कई रिपोर्ट्स में रूस के सैन्य संवाददाताओं ने बताया कि यूक्रेन कथित तौर पर निप्रा पेट्रोस क्षेत्र में डर्टी बम सहित परमाणु उकसावे की तैयारी कर रहा है। सैन्य संवाददाता मैराट खैरुलिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इससे जुड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन के बचे हुए भंडारण स्थलों पर हमले की योजना कर रहे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को डर्टी बम के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने के रूसी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने का प्लान बना रही है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन दावों को पागलपन भरा रूसी प्रोपेगेंडा बताया। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बम हमले की प्लानिंग का दावा किया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी रूस की ओर से कहा गया था कि यूक्रेन डर्टी बम हमले की प्लानिंग कर रहा है। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो धमाके के साथ हवा में बिखर जाते हैं। इन हथियारों का उद्देश्य सिर्फ खतरनाक रेडिएशन फैलाना होता है, इसलिए इसमें परमाणु बम की तरह बहुत ज्यादा शुद्ध रेडियो एक्टिव सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसकी जगह इन बमों को बनाने में अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या रिसर्च केंद्रों के रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है। डर्टी बम बनाना परमाणु हथियार की तुलना में बहुत सस्ता और बहुत तेज होता है। उदाहरण के लिए इसे किसी गाड़ी में रखकर अगर विस्फोट किया जाए तो भी असर भयानक होगा। रेडियो एक्टिव विकिरण से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। किसी लक्षित आबादी में हमला दहशत पैदा करने वाला होता है। विस्फोट के अलावा रेडिएशन काफी दूर तक फैल जाएगा। ऐसे में उन इलाकों को भी खाली करना पड़ेगा जहां धमाका नहीं हुआ है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने गणना की है कि अगर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में सिर्फ 9 ग्राम कोबाल्ट 60 और 5 किलोग्राम TNT वाला विस्फोट किया जाए तो ये पूरे शहर को दशकों तक न रहने लायक बना देगा। हालांकि ये हथियार के रूप में बहुत विश्वसनीय नहीं है। किसी डर्टी बम की रेडियो एक्टिव सामग्री को पूरे इलाके में फैलाने के लिए उसे पाउडर में बदलना पड़ता है।